और चलिए हमारे साथ एक इतिहासकार जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार भी और जेके त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, वासन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार प्रोफेसर कपिल जी का रुख करते हैं। प्रोफेसर कपिल, आपको क्या लग रहा है अब ये जो रूस से बातचीत होने वाली है, क्या इस पर भी कुछ, क्योंकि रूस तो अपनी दोस्ती निभाता आ रहा है, मौजूदा जो वक्त है इसमें क्या इससे फायदा होगा भारत को? आपकी चैनल पे आया हूं, लेकिन आपने जो इतना लंबा वक्तव्य दिया है जी। आपका पूरा वक्तव्य जो है ऐतिहासिक तथ्यों से अलग है। मुझे बताइए, चीन हमारा दोस्त कब था? पाकिस्तान हमारा दोस्त कब था, पड़ोसी? मुझे समझाइए आप इस बात को। आप जो कह रही हैं कि हमने अपने दोस्तों से रिश्ते बिगाड़ दिए, और आपको मालूम है कि नेपाल की क्या स्थिति है? आपने कह दिया कि चाचा नेहरू की नीतियां, 7 नवंबर 1950 के अंदर सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखी थी चाचा नेहरू को कि चीन ने जब तिब्बत हथवा लिया है और चीन क्या कर रहा है, और उस समय पटेल ने कहा था कि हमको क्या तैयारी वहां पे करनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर। उस चिट्ठी को गूगल करके पढ़ लीजिएगा जरा सा, और क्या चाचा नेहरू ने किया था उस समय तिब्बत को चीन ने हथिया लिया, क्या किया? और अकासाई चीन को जब चीन ने लिया लद्दाख को, तो मालूम है पार्लियामेंट में चाचा नेहरू का क्या स्टेटमेंट था? चाचा नेहरू ने कहा था कि चीन ने लद्दाख के उन हिस्सों पे कब्जा कर लिया है जिन पे घास का तिनका तक नहीं उगता, और महावीर त्यागी थे एमपी सहारनपुर से पार्लियामेंट के अंदर, जिन्होंने कहा था कि मेरे सिर पे भी बाल नहीं है, आपके भी सिर पे बाल नहीं है, तो क्या हम अपने बालों को काट दे? तो मेहरबानी करके जब आप लोग एंकरिंग करते हैं तो गूगल का इतिहास मत पढ़िए, वायर का इतिहास मत पढ़िए, न्यूयॉर्क टाइम्स का इतिहास मत पढ़िए। कोई किसी पे आरोप नहीं लगा रहे सर, सिर्फ बातचीत हो रही है और उसी पर इतिहास। लेकिन एक मिनट कपिल जी, आप बताइए, इस 170 बार घुसपैठ हुई है, कपिल जी 170 बार घुसपैठ हुई है, क्यों स्थिति नहीं क्लियर कर रही है सरकार? आप इस पर जवाब दीजिए। एक तथ्य को भी काटिए, आप मेरे तथ्य को काटिए। मैं आपके तथ्य को काटने बैठी भी नहीं हूँ, मुझे आपके तथ्य को काटना भी नहीं है, आप मेरी बात बताइए। एक मिनट, या तो आप ही बोल लीजिए या मैं बोल लूं। कपिल जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मिल रही। हम लोग चिल्ला के तो बात कर नहीं रहे, तो आप चिल्ला के क्यों बात कर रहे हैं? चिल्ला के कोई बात नहीं कर रहा, आप, तो आप आराम से बात करिए ना। चले जा रहे हैं, सुनिए सुनिए, फिर आप चिल्ला के बात कर रहे हैं, मुझे आपने इनवाइट कैसे कर लिया? सुनिए सुनिए, एक तो चिल्लाना बंद करिए, इस चिल्लाने के लिए हम लोग आपको यहाँ आमंत्रित नहीं किए हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिसाब से नहीं हम लोग चलते हैं। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो फैक्ट्स हैं वो जहाँ बोलना है वहाँ बोलिएगा, यहाँ अगर आराम से आपको बात करनी है तो बात करिए, तर्कों के आधार पर, चिल्ला के मत बात करिए, अपनी बात जो करनी है शांतिपूर्ण तरीके से करिए। आप अपनी एंकर को ये बताइए कि तथ्य बोले। हमारी एंकर तथ्य बोल रही है, अगर आपको उस तथ्य से एतराज है, सुनिए सुनिए, आपकी चैनल से कोई शौक नहीं है। देखिए मुझे आपको, मुझे कोई नाम नहीं लेना है चैनल पे बोल के, सुनिए, गलत इतिहास जिस तरीके से इस देश में पढ़ाया जाता है वो मैं नहीं होने दूंगा। अरे तो बदलिए ना इतिहास। पटेल की चिट्ठी का जवाब दीजिए मुझे, मैंने जो तथ्य आपके सामने रखा, आप नेहरू का जवाब दीजिए। आप फिर चिल्ला रहे हैं, हमारे चैनल में चिल्लाने की परंपरा ही नहीं है, आप बेवजह चिल्ला रहे हैं। और मेरी परंपरा ये नहीं है कि मैं देश के खिलाफ राष्ट्र विरोधी चैनल को छोड़ू, मेरी कोई शौक नहीं है आपके चैनल पे आने का। आप लोग चीन की भाषा बोल रहे हैं, राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं जिसने चीन से पैक्ट कर रखा है, बंद कर दीजिए। तो यही बात होती है जब आप अपनी बात रखते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, और यहाँ पर जब सवाल किए जाते हैं तो इतिहास का हवाला देकर राष्ट्र विरोधी बना दिया जाता है, और अगर आप सवाल नहीं, अगर उनका जवाब नहीं होता है तो सीधे तौर पर आप राष्ट्र विरोधी हैं, भले आप इतिहास में क्यों ना बात कर रहे हो। लेकिन जिस तरीके से ये मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका यही कहना है कि आप सवाल नहीं करिए। विपक्ष अगर यही, अगर जो सरकार अभी विपक्ष में होती उस दौरान भी अटल बिहारी वाजपेयी ने, वासन जी अगर मैं सही हूँ, आपको ज्यादा पता होगा कि उस दौरान भी संसद बुलाई गई थी और उसमें सवाल किया गया था सरकार से जब नेहरू जी थे।